हाम्रो धर्म हेरिराख्नु हुने सम्पूर्ण दर्शक दिनलाई नमस्कार आज एमसिजी क्लब मुम्बईमा हामी किरण कर सरसँग थोरै कुराकानीको लागि हामी यहाँ आज उहाँलाई भेटघाटको लागि हामी यहाँ आएका छौँ आज रामदास आठवले माननीय मन्त्रीजीको लाई भेटेर हामी यहाँ आउँदाखेरि उहाँको छोटो सरको बारे केही परिचय लिन गइरहेछौँ सरजी आफको नमस्कार नमो बुद्धाय जय भीम नमस्कार आपका थोड़ा सा परिचय दे दीजिए नमो बुद्धा जय भीम आप सभी को और हम बम्बई से मेरा नाम ज्ञान मित्र घनश्याम धर्मा चिरणकर बम्बे निवासी हूँ और बम्बई में अब रहता हूँ पूरा बुद्धि सोसाइटी ऑफ इंडिया जो महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जिसकी स्थापना की है और तमाम भारत के सभी स्टेट में सभी ग्रामीण भाग में ये बुद्धि सोसाइटी ऑफ इंडिया बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार का काम करते हैं मैं उस बुद्धि सोसाइटी ऑफ इंडिया का एक नेशनल प्रेसिडेंट हूँ और बम्बे महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाहर के राज्यों में मैं पदवीदार शिक्षक मतदार संघ का अच्छा शिक्षा का, का काम करता हूँ और जानकारी देना चाहता हूं और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी प्रावधानता जो है उसका भी जानकारी मैं देता हूं। नमस्कार जैसे सर जी आपको बुद्ध को कैसे मान मान रही है सर जी थोड़ा सा बुद्ध के थोड़ा सा आपके विचार बोल बता भारत भी बुद्ध की भूमि है लेकिन बुद्ध का जन्म तो लुम्बिनी नेपाल है इसलिए नेपाल और भारत ये हमारा भाईचारा है क्यों बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ और बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति जो है वो भारत में बिहार बोधगया में हुआ और जो बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो है वो कुशीनगर में हो गया ऐसा ये भाईचारा चलने वाला जो दो देश है और अभी म्यांमार हो थाईलैंड हो कम्बोडिया हो सारे देश सारा वर्ल्ड विश्व में बुद्ध का नाम है यही हमारा भारत का और नेपाल की शान है जैसे सर जी आप ये बुद्ध बुद्ध का तो फोर समेत आप जा रही है लेकिन आपका पर्सनल बैकग्राउंड थोड़ा सा दर्शकों को बता दीजिए हम यहाँ जब यहाँ हमारा काम कुछ कर देते हैं तो बुद्ध धर्म को भी अच्छा से बढ़ाना चाहिए क्यों बुद्ध धर्म ये कोई धर्म नहीं है ये मानवता का धर्म है ये शिक्षा देता है ये अहिंसा सिखाता है ये युद्ध नहीं चाहिए बुद्ध चाहिए यानी अच्छा एक दूसरे को ब्रदरहुड का काम दिलाता है इसीलिए बुद्ध की बहुत अच्छी बात है और ये चलाने के लिए हमें हौसला आता है हम जब बुद्धि सोसाइटी ऑफ इंडिया में काम करते हैं जब बुद्धा मांग के साथ हम कुछ कार्यक्रम में जाते हैं आते हैं और जब भी कार्यक्रम में हम मिलते जुलते हैं तो बहुत सारा शांत लगता है और अच्छा बुद्धि प्रामण और करने के लिए आता है तो हमें भी ये बचपन से ही बुद्ध के ओर आने का झुकने का और उसका प्रणाम करने के लिए हमें बहुत अच्छा लगा और इसलिए मैं मेरा जान लगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं बुद्धिज़म का काम करने में लगा हूँ और करता रहूँगा आखिरी सांस तक ये बुद्धिज़म का काम करना मुझे अच्छा लगेगा जस्तै हामी में एक बुद्ध शान्त पार्क बनाएर आउँछ आफै पटाए आफ हाम हाम्रो समितिको बहुत आपने हेल्प किया है रामदास आठवले के आ, ब, ब, मन्त्रीजी के जाने के दिपक सरमको बहुत, बहुत सपोर्ट क्या बुद्ध पार्क मे एक बुद्ध भी, बुद्ध त एट स्टेचु होटर अम्बेडकर भी न छोटा उहाँ पर स्टेचु रकना चाह्ता यसमा भारतका कुछ भारतमा कुछ विरोध आए क्या यसै य काम आपको क्यास लगा आ, देखो ये बहुत बहुत खुशी की बात है जहाँ बुद्ध है वहाँ बाबा साहब आ रहे हैं बाबा साहब ने भी भारत को ये पूरे देश को हमें बुद्धम दिखाया बुद्ध का और क्या चलना है बाबा साहब ने उसका जब भी स्टडी किया तभी बाबा साहब का भी बाबा साहब को भी बोधिसत्व हम कहते हैं और ऐसा महामानव जब भी नेपाल के धरती पर जब भी हमारा नेपाल वासियों को दिखेगा समझेगा तभी भी हमें बुद्ध और बुद्ध के बाद बाबा साहब की पहचान नेपाल में हो रही है और बुद्धा शांता पार्क जैसे हमारे करीब दोस्त जो अभी नेपाल लुम्बिनी से आए हैं शांता शाक्य ये और इनकी टीम बहुत लगाव करके ये जो काम कर रहे हैं वहाँ जो भी बाबा साहब का स्टैचू जो चौदह फीट यानी चौदह अप्रैल बाबा साहब का जो जन्मदिन है तो चौदह फीट का स्टैचू बिठाने का जो आपका प्रयास है बहुत उल्लेखनीय है और बहुत प्रशंसा देने जैसी है जो पूरा नेपाल को भी एक अच्छा इंस्पिरेशन देगा ऐसा मुझे भरोसा है हाँ, आपको स्वर का कैसा लग रहा है अंतिम में आप दर्शकों क्या बोलता है साथ देखिए बुद्ध ये कोई धर्म हमें नहीं बताता है लेकिन ह्यूमन बींग्स जो है अच्छा करो अच्छा रहो और अच्छा पाओ हमें दिन में अच्छा से अच्छी शुरुआत करना है किसी का भी दूसरे को आनंद देना ही अपना आनंद है तो हमेशा हमें दूसरे को आनंद में रखने के लिए हमारा प्रयास करना चाहिए उनके आनंद में ही हमारा आनंद है छुपा हुआ और जो आनंद मिलता है वो कहीं भी दुनिया में हमें नहीं मिलता है ऐसा बुद्धिज़्म को बाबा साहब के विचारों को और तमाम ऐसे भारत के धरती को और नेपाल के धरती को मैं नमन करता हूँ वंदन करता हूँ और यहाँ भी मेरा दो शब्द में ख़त्म करके आपको सभी को नमो है जय भीम धन्यवाद है सर जी आपको हमने एक पेंडप में बुद्धम शरणम गच्छामि का एक त्रिशरण गमन हमने ये छक्का ये गाना निकाला है इसमें एक से आठ कलाकार ने गाया है ये आपको एक प्रेजेंट करने चाहते हैं हम लोग टीम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे धन्यवाद जी कि ये जो आपने बुद्ध का त्रिशरण गमन जो किया है और 108 जो गायक है कलाकार उनका आवाज़ एक ही साथ एक ही सुर में ये पूरा विश्व को शांति देगा विश्व को आनंद देगा विश्व को तृप्त करने की मनोकामना करेगा ऐसा मंगल कामना के साथ मैं ये मेरा दो शब्द और ये सात साख्य के किया हुआ ये प्रयास को मैं अभिनंदन करता हूँ शुक्रिया करता हूँ भारत देश के ओर से तमाम बौद्ध लोगों के ओर से वापसमै शान्ता बुद्ध पार्क अरू शान्ता शक्क्य उनके उनको को धन्यवाद देता हौँ नमो बुद्धाय जय भीम कस्तो लाग्यो तपाईँलाई उहाँको कुरा तपाईँको प्रतिक्रिया दिन नबोल्नु र अब पाँच को, को हामी यो त्रिशरण गमनलाई हामीले रामदास आठौलेज्यूको हाटबाट फेरि एकचोटी यसको आवरण हुँदैछ तपाईँले त्यसको त्यसमा पनि तपाईँलाई यो त्रिश्रम गमनको हाम्रो नेपालमा अस्ति भर्खर हामीले गरियो अब भारतमा हुँदैछ त्यसमा तपाईँलाई यो कार्य कस्तो लाग्यो तपाईँलाई प्रतिक्रिया दिन होला धन्यवाद